हाँ जी, तो ऐसा है कि कल का दिन हो गया, कल सिर्फ आधे प्रॉप बना, वो जो डंडा बीच वाला, तो अभी ऊपर वाला बनाने जा रहे हैं। सेकंड डे है आज, भी रोहित भैया का फ़ोन आ गया। पहले सोचा था कि 2-3 दिन बाद जाएंगे जब टाइम होगा, ठीक है। ये सारे प्रॉप्स वगैरह पड़े हैं फिल्म के लिए, नए खरीदे, इसके अंदर भी प्रॉप्स पड़े हैं, सारी चीज़ मतलब अभी रेडी हो रही है। तो जब पूरा लाइक हो जाता ना हमारे साथ, लाइक हम जब पूरा एक प्रॉप्स का सेक्शन हम पूरा कर लेते हैं और सेट हमारे पास होते हैं, तो उसके बाद ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है, अभी और थोड़ी ठंड हो जाए फिर जाके शूट करते हैं, ठीक है। तो आज सेकंड डे है, आज फिर कुछ देखते हैं, घूमते हैं, चाय पानी पीते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। आज आ रहे थे वापस, तो आज शायद पिंड अपरा नहीं जाएंगे, आज फ्लोर में ही ट्राई करेंगे, हमारा वो बन जाए पूरा वो प्रॉप। तो मैंने सोचा कि फ्लोर आ रहा है तो दुनिया के जो बेस्ट छोले भटूरे हैं वो खिलाता हूँ रोहित भैया को। मैंने 8-10 लोगों को खिलाया है, बॉम्बे से लेके दिल्ली वाले दोस्तों को, ठीक है, और लुधियाना के तो कितने लोगों को लेके आए, अपनी मम्मियों को ले आते हैं कि भाई ये टेस्ट कहाँ है, दिल्ली बॉम्बे मैं पता नहीं नोएडा कहाँ कहाँ रहकर आया हूँ, ऐसा टेस्ट नहीं मिलता भाई साहब, ठीक है। तो आज वही हो रहा है। तो ये हमारा फेमस फाटक, ये जो फाटक वाले भैया हैं, पता नहीं अभी चेंज हो गए कि नहीं, मैं बचपन में यहीं इसी इलाके में रहता था, मतलब जंगल में नहीं, घर था हमारा। तो बड़ी बददुआएं ली भाई इस बंदे ने, तब मोबाइल फ़ोन ये इतना एडवांस होता नहीं था सिस्टम, तो उससे क्या होता था कि भाई गाड़ी अभी जलंधर 50 किलोमीटर दूर से चलती थी, अभी सब बंद कर देते थे फाटक, तो आधा आधा घंटा खड़े रहना लोगों ने, गर्मी में गालियाँ दी जानी। अभी शायद थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो एक ट्रेन गई है, आई थिंक दूसरी आ रही है क्योंकि अभी फाटक खुला नहीं है। चलो छोले भटूरे खाते हैं। लो जी, खुल गया हमारा फाटक, वो है फ्लोर का स्टेशन, उम्मीद है ना। अब बंद हो गई सारी मार्केट, पहले बहुत बरकत वाली मार्केट थी, सारा हरा भरा रहता था, टेक्नोलॉजी आने के बाद सब बेड़ा गर्क हो गया। ये हमारी बिल्लू स्वीट शॉप, बेस्ट भटूरे इन द वर्ल्ड। लो जी आ गए हमारे वर्ल्ड क्लास छोले भटूरे। मैं नीचे कर रहा हूं ना। 20 मिनट्स लेटर। क्या कर रहे हो? मैं कहना यार, फिरोज भैया लेके आए एक वर्कशॉप पे हमें, अभी भैया आ रहे हैं थोड़े से, वो बाहर गए हैं, तो बोले चाय वाय पियो, तो चाय का स्टॉल है भाई, एकदम देसी इंडियन ब्लॉग बन रहा आज हमारा, है ना। मेरी दहाई सड़क के पड़ी आ रही वीडियो में। हेलो बोलो। देसी इंडियन चाय आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। यस ब्रो। लाओ जी दूसरी चाय, बकवास ही हो चाय तो इसलिए यहाँ ट्राई करने आए हैं। चाय नहीं, कॉफ़ी है यहाँ पर, तो ठीक है, नाइस प्लेस, अभी अभी बनी है, पिछले साल भी यहाँ आए थे जब स्टॉन प्रोडक्शन करे तंत्र में, कहीं हिमांशु के साथ लंच करने आए थे ना, वही रोहित भैया जहाँ भी पहली बार आए हैं। प्रॉप ये क्या, और होटल हमने 3 देख लिए सुबह, 2 देख लिए थी। तो एक जगह प्रॉप का ना, वो जो पूरी लोहे की शीट कटा के हम क्रॉप बनाना है, रीपर का वो जो होता है जिसमें वो आत्माएं फंसा के लेके जाता है, तो एक जगह दे के आए हैं, मतलब लाइक अभी वो शीट लेने गए, छोटी शीट थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे बनाना है, तो 15-20 मिनट वेट करना था, तो मैं चलो यहाँ थोड़ा आगे कॉफ़ी वॉफी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, होगा ठीक है, वरना कहीं और ढूंढना पड़ेगा। बासियाँ ले रहे भैया, काम तो हो ही जाएगा, आज का दिन भी सारा इसी में निकल जाएगा।
देखो जी ऐसे बन गया, थोड़ी विड्थ मोटी रखी इस बार मैंने, थोड़ा और डेंजरस लगेगा। तो लकड़ी को अभी वो प्राइमर मार के थोड़ा साफ करके ये करके इसके ऊपर पेंट करके ऐसा रखी चीज बन जाएगी, ऐसे करके डेंजरस एकदम लगेगा। इसमें आदमी फंसा के लेके जा रहा हूँ, हैवी बन गया थोड़ा बट ठीक है, बढ़िया। हाँ जी रोहित भैया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। एवरेज डे आखिर में आपको सक्सेस मिल गई, आखिर में हमें सक्सेस मिल गई, सक्सेस मिल गई। चलो ठीक है, ओके।